Hello everyone and welcome to my channel. This is Dr. Aarti here from Pain Care Clinic, Zirakpur, Chandigarh. मैं इस चैनल के जरिए आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने वाली हूँ और आने वाले टाइम में की जाएगी. पर किस रिलेटेड वो जानकारी शेयर होगी इस चैनल पर, उसके लिए आपको पहले मेरे बारे में जानना जरूरी है. जैसा कि मैंने बताया, आई एम डॉक्टर आरती. मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरी बैचलर्स डिग्री है पीजीआई चंडीगढ़ से और मास्टर्स डिग्री है, स्पेशलाइजेशन है ऑर्थो में फ्रॉम एसवी निर्तार, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा रिहैब सेंटर है. ये डिग्रियां हासिल करने के बाद मैं 8 साल बाहर की कंट्रीज जैसे दुबई, कनाडा, इन डिफरेंट कंट्रीज में जाके नई नई टेक्निक्स सीखी, डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स को एक्सपीरियंस किया, वहां पर किस टाइप की टेक्निक्स को यूज करके जल्दी पेशेंट्स का इलाज हो रहा है, कैसे जल्दी लोग अपने काम पे वापस चले जाते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती लोगों को, पर उनको काम करना पड़ता है और इसलिए वहां का जो सिस्टम है बहुत फास्ट है. तो वो सब जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, वो सब का एक्सपीरियंस, वो सब प्रैक्टिस में कैसे लाई जाती है, वो सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं. तो अपने इस चैनल के जरिए मैं उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों को जो इंडिया में बहुत टाइम से दर्द से पीड़ित हैं या जिनको हड्डियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सब लोगों को मदद मिल सके, ये मेरी उम्मीद है और इसी उम्मीद को लेकर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है. जो ये पेन केयर क्लिनिक शुरू हुआ है, ये लास्ट ईयर शुरू हुआ था जब मैं इंडिया वापस आई और हमने अभी तक 1000 से ज्यादा मरीजों को पॉजिटिवली ठीक करके वापस बैक टू वर्क सेटल किया है, रिहैब किया है और आज वो अपने अपने काम पर वापस हैं. अभी ये पॉपुलेशन कम नहीं हुई है आने वाले टाइम में, बिकॉज लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, लोगों को कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, बच्चे इवन आजकल मोबाइल पे स्टडीज हो रही हैं, लैपटॉप्स पे स्टडी हो रही हैं, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं. जो दर्दें हम एक्सपेक्ट करते थे कि 40-50 साल के लोगों में होंगी, वो सब दर्दें इवन अब जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं 15-16 साल के बच्चों में भी वो सब दर्दें पाई जा रही हैं. और हर घर में ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कोई ना कोई पुअर पोस्चर के रिलेटेड या किसी झटके की वजह से, जिम जाने की वजह से कुछ ना कुछ उनको दर्द स्टार्ट हो जाती है और वो फिर उस दर्द को इग्नोर करते हैं, पेन किलर्स लेते रहते हैं, जब तक मैनेज होता मैनेज करते हैं, पेन किलर लेते जाते हैं, काम करते जाते हैं, ये सब एक सर्कल जैसा चलता रहता है. जिस दिन वो पेन किलर काम करना बंद कर देती है उस दिन उनको लगता है अब हमें कहीं दिखाना चाहिए, पर उनको फिर भी समझ नहीं आता कि कहाँ जाकर दिखाया जाए क्योंकि उनको जो बीमारियां हैं उनके साइन सिम्टम्स समझ नहीं आते हैं, वो चले रहते हैं, इधर यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, इलाज नहीं होता है, परेशान रहते हैं. तो ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद क्या है, एक्चुअली इतनी सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं सर्वाइकल से लेके लो बैक पेन, हील पेन, फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, एंकल स्प्रेन, हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी हैं, मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, इन सब से रिलेटेड दर्दें शुरू हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता कहाँ जाया जाए. तो यहाँ पर हम आपसे हर बीमारी से रिलेटेड हफ्ते में 3 या 4 वीडियो शेयर किया करेंगे जिनमें की हर बीमारी के लक्षण होंगे, उनसे बचा कैसा जाए, उनसे अगर हो गई है तो आप कैसे उस ट्रीटमेंट को मैनेज कर, उस पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कुछ टिप्स आपको दी जाएंगी जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल इजी होगा. और अगर आप ये जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं, आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा. अब सवाल ये उठता है कि जब आपने ये चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको किस टाइप के इससे फायदे मिलने वाले हैं और किन किन लोगों को इसके फायदे होने वाले हैं,
who all will be benefited through this channel. तो मैं बता दूं, यहाँ पर सब कुछ bones और joints से related discuss होने वाला है. तो सबसे पहले जो फायदे होने वाले हैं जिनको, वो हैं एक general population, जिनको कोई idea नहीं होता है कि किस बीमारी की वजह से क्या लक्षण होते हैं, और वो इग्नोर हो रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं. तो उनको जब ये लक्षण इजीली क्लियर हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जिस टाइप की प्रॉब्लम है वहां जाकर डॉक्टर को दिखा सकते हैं और उस दर्द से तुरंत ही आराम पा सकते हैं, बजाय कि उस दर्द को एक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट करते रहने के, वो एक्यूट स्टेज में ही अपना इलाज करवा सकते हैं और उससे बचा जा सकता है. अगर आप अर्ली स्टेज पे इलाज करवा लेते हैं तो इन दर्दों से बड़े आराम से बचा जा सकता है. लेकिन जैसे ये क्रोनिक फेज में चले जाते हैं, फिर जितना दर्द पुराना हो जाएगा उतना ही टाइम वो एक्स्ट्रा लेगा ठीक होने में. तो सबसे पहली जो थी हमारी जनरल पॉपुलेशन थी. दूसरा क्या है, मेडिकल स्टूडेंट्स जो अभी प्लस वन प्लस टू भी पढ़ रहे हैं मेडिकल लेकर, जिसमें कि एनाटॉमी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिस्कस होता है, उनको इतना आइडिया नहीं होता क्योंकि उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया होता कि किस टाइप का ह्यूमन बॉडी रहती है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं. तो अगर वो ये सब चीजें देखेंगे और उनको हो सकता है इसके थ्रू उनको बहुत हेल्प मिल जाए. तीसरे रहेंगे फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल्स मीन्स जो कि स्टडी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी डिग्री में है अभी, बैचलर्स मास्टर्स, उनके भी कॉन्सेप्ट्स हो सकता है इस चैनल के थ्रू काफी हद तक क्लियर हो जाएं. और अगर कुछ और जानकारी आप पाना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, वी कैन हेल्प यू विद दैट. तो जब इन लोगों को इतनी सारी नॉलेज ये शेयर होगी तो आगे भी आप लोग इस चैनल को शेयर करेंगे और उससे और आगे काफी लोगों को हेल्प मिलेगी. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ह्यूमन एनाटॉमी. एनाटॉमी का क्या मतलब होता है कि बोन्स कितनी है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं. इन हड्डियों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन. इन हड्डियों के बारे में जानना क्यों जरूरी है, वैसे ये भी मैं बता दूं आपको. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा है. फिर एक जनरल पॉपुलेशन के लिए इसमें क्या है, क्योंकि आजकल हर कोई अपने आप को अपडेटेड रखना चाहता है. अगर कोई डॉक्टर उसको किसी प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो वो भी जानना चाहता है कि एग्जैक्टली उसको हुआ क्या है. तो जब नाम लेते हैं डॉक्टर्स तो अगर उनको वो कोरिलेट कर सकते हैं, उन्होंने देखी हुई है कि वो इस हड्डी के बारे में बात कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको अपनी प्रॉब्लम को समझना और भी इजी हो जाएगा. तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है एंड आई होप ये आपको काफी मददगार साबित हो सके. तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. एक्सियल स्केलेटन किस किस चीज से मिलके बना होता है तो ये आप देख सकते हैं. सेंट्रल लाइन ऑफ बॉडी, जिसमें कि हमारा स्कल, क्रेनियम, खोपड़ा जिसको हम बोलते हैं, फेस, ये रिब्स, पसलियां और पीछे मनके जो होते हैं, ये सारे सेंट्रल लाइन में स्थित रहते हैं, इसलिए इसको एक्सियल स्केलेटन बोला जाता है. और इसमें कुल 80 हड्डियां रहती हैं और अपेंडिकुलर में 126 रहती हैं. तो आज हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में. यहां मैंने लिखी है स्कल में 8 हड्डियां रहती हैं, फेस में 14 हड्डियां रहती हैं, कान और हायर्ड बोन जहां से हम बात करते हैं उसमें 6 और 1 हड्डियां रहती हैं, रिब्स जो पसलियां हैं वो 24 रहती हैं, और स्टर्नम जिससे कि सारी कनेक्टेड रहती हैं पसलियां वो 1 होती है, वर्टिब्रास जो मनके हैं वो 26 होते हैं. ओके, तो अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कहां कहां कौन कौन सी बोन्स हैं. नंबर मैंने आपको काउंट करवाया था, अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी बोन्स हैं. स्कल में 8 बोन, जैसा कि मैंने बताया था, वो 8 बोन कौन कौन सी हैं. एक फ्रंटल बोन रहती है यहाँ पर, 2 पैराइटल बोन्स हैं,
और साइड पे इधर कान के पास दो टेम्पोरल बोन है और एक ऑक्सीपिटल जो पीछे की साइड को रहती है। ये जो दो बोन्स है स्फिनॉइड और इथमॉइड, ये जब हम इसको कट कर देंगे, यहां से ओपन अप कर देंगे इस स्कल को, बीच में से काट देंगे, उसके बाद हमें बीच में दिखाई देती हैं, ये सिंगल बोन रहती है स्फिनॉइड और इथमॉइड। अब बारी है फेस की, ये आठ हड्डियां थी। फेस में 14 बोन्स हैं, दो लैक्राइमल हैं जो इधर आंख के साइड्स पर रहती हैं, दो नेजल रहती हैं, उसके ठीक नीचे पैलेटाइन दो, ये पेयर्स में रहती हैं इसलिए दो दो हैं, दो पैलेटाइन बोन्स रहती हैं और उसके ठीक नीचे छोटी छोटी दो इन्फीरियर नेजल कॉन के होती हैं। एक ये सिंगल बोन रहती है, इसको हम वोमर बोन बोलते हैं। दो ये जाइगोमैटिक बोन्स रहती हैं और दो मैक्सिला, ये ऊपर का जो जबड़ा होता है, और एक मैंडिबल जो नीचे वाला जबड़ा होता है, ये पूरा एक ही होता है, ऊपर वाले दो अलग अलग रहते हैं लेफ्ट और राइट, ये एक रहती है पूरी मैंडिबल। तो ये कुल मिलाकर आपकी 14 फेशियल बोन्स बनती हैं। और उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्टिब्रास, जो 26 रहते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कॉकेक्स। सर्वाइकल, सर्वाइकल के हिस्से में 7 मनके रहते हैं, थोरेसिक उसके ठीक नीचे 12 रहते हैं, लंबर कमर में 5 रहते हैं, सेक्रम 1 रहता है और कॉकिक्स 1 रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सेक्रम 4 रहते हैं जो बाद में फ्यूज होकर 1 में बदल जाता है। जो मनके होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, ये शेप रहती है, ये बॉडी रहती है, ये स्पाइनस प्रोसेस रहता है, जो चोंच हम पीछे फील करते हैं कमर में वो स्पाइनस प्रोसेस होता है, और साइड पर जो हमें फील होती है दो उभरती हुई चीजें उनको हम ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। हर दो वर्टिब्रास के बीच में, हर दो मनकों के बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है, विस्कस फ्लूइड जो रहता है, वो होता है हमारा डिस्क। ये डिस्क के साथ से हर मनके से, हर दो मनकों के बीच से नर्व्स निकलती हैं, और जब कमर दर्द की दिक्कत होती है, स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ये डिस्क ही बाहर निकलती है जिसकी वजह से वो मनकों पर, वो नसों पर प्रेशर बनाती है, और जिसकी वजह से टांग में दर्द जाती है, कमर में दर्द होती है, जिसको शियाटिका भी बोला जाता है, वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये सब हम आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिटेल में जानकारी शेयर करेंगे कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आज की लिए आई थिंक इतनी जानकारी काफी है। आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में आपके कोई डाउट्स हैं, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को पता है क्लिनिकल एनाटॉमी वर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, और प्लीज इस चैनल को अपना प्यार दें, इसको बढ़ाएं आगे से आगे। थैंक यू वेरी मच।